पूनम, मैं देखती हूँ कि आप हमेशा खुजाती रहती हो और अजीब तरह से चलती हो। सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे गुप्तांग में फुंसी और दाने हो गए हैं, इसलिए मुझे काफी दर्द होता है। पहले बताना चाहिए था ना। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते मीना जी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। पूनम को देख लीजिए, इसको गुप्तांग में कुछ तकलीफ है। तुम्हें प्रजनन मार्ग में संक्रमण हो गया है। यह महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है। इसकी वजह निजी स्वच्छता में कमी, गंदा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना या फिर प्रजनन मार्ग में असाधारण जीवाणु का होना है। आपने माँ को बताकर अच्छा किया, वरना बच्चे अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं बताने में शर्माते हैं। इससे समस्या गंभीर हो जाती है और फिर इलाज करना कठिन होता है। आप ये दवाइयाँ लो और निजी स्वच्छता का ध्यान रखना। संक्रमण से बचने के लिए बेहतर होगा कि सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करो। धन्यवाद डॉक्टर। हमारी कॉलोनी में आपका स्वागत है। मुझे पता चला है कि आपके पति बीमार हैं। धन्यवाद मीना जी, आपने हमारा ध्यान रखा। दरअसल हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं और हमारा इलाज चल रहा है। सालों पहले मेरे पति का एक ऑपरेशन हुआ था और इसी दौरान दूषित खून चढ़ने से उन्हें HIV का संक्रमण हो गया। मेरी गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टर से HIV की जांच कराई तो हमें ये पता चला। बहुत अफसोस की बात है। आपके बेटे सोनू का क्या हुआ? मैं सरकार के माता पिता से बच्चों में संक्रमण से बचाव प्रोग्राम का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे प्रसव के दौरान ही इसकी दवाइयाँ दी गई और हमारे सोनू का जन्म HIV नेगेटिव हुआ और वो स्वस्थ था। अब 13 साल का है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप अपना ध्यान रखो और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? क्या हो रहा है? इतना शोर कहां से आ रहा है? सर, कुछ माता पिता बाहर विरोध कर रहे हैं। कृपया शांत हो जाइए और आइए मेरे कार्यालय में बैठकर बात करते हैं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बैठ जाएं और शांति से अपनी बात रखें। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को HIV संक्रमण हो। सोनू नहीं बल्कि उसके माता पिता HIV पॉजिटिव हैं। आपके बच्चे सुरक्षित हैं। हम HIV वाले लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। सोनू हमारे स्कूल में पढ़ता रहेगा। डॉक्टर, कृपया इन्हें HIV और एड्स के बारे में समझाइए। HIV एक वायरस है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि एड्स कमजोर इम्यून सिस्टम की बीमारी है जो HIV से होती है। HIV केवल 4 माध्यमों से फैलता है: असुरक्षित शारीरिक संबंध, एक दूसरे की सुई इस्तेमाल करना या एक सुई बार बार इस्तेमाल करना, HIV संक्रमित खून और ऐसे उत्पाद का संचारण, और संक्रमित माँ के पेट में पल रहे बच्चे को संक्रमण। लेकिन माता पिता से बच्चे को HIV संक्रमण रोकने की दवाइयाँ उपलब्ध है। कैसे पता चलेगा कि क्या हम HIV पॉजिटिव हैं? HIV की स्थिति जानने का एक ही तरीका है, HIV की जांच, जो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। अच्छा, पर क्या इसका कोई इलाज है? HIV लाइलाज है, लेकिन इसके कुछ उपचार उपलब्ध हैं। इसे एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहते हैं। यह सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। सही इलाज और देखभाल से HIV पीड़ित लोग भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं और हमारी तरह स्वस्थ रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कर सकते हैं। हमें HIV एड्स पीड़ित लोगों से सहानुभूति रखनी चाहिए, आदर और दया का भाव रखना चाहिए और उनकी देखभाल और मदद करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, आपने इतनी जानकारियां दी।
प्रजनन मार्ग संक्रमण का जल्द निदान किया जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। आरटीआई से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय निजी स्वच्छता बनाए रखना है और जरूरत हो तो इलाज से नहीं शर्माना है। माहवारी में स्वच्छता के लिए साफ और डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है। एचआईवी की रोकथाम मुमकिन है और हर किसी को एचआईवी से खुद को बचाने का अधिकार है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि असुरक्षित शारीरिक संबंध से बचें, सुइयों का दोबारा उपयोग नहीं करें, केवल पंजीकृत ब्लड बैंक से खून लें और प्रसव के दौरान चिकित्सा मदद लें ताकि संक्रमित माँ से बच्चे को एचआईवी नहीं हो। एचआईवी एड्स के बारे में गलतफहमी दूर करना और जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग एचआईवी संक्रमित होने से बचें और इन गलतफहमियों से उत्पन्न कलंक और भेदभाव को समाप्त किया जा सके। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया अपने निकटतम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जाएं।